आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान की जिसे देशभर में विवाद खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में दिए अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। इस बयान के बाद साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है और ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अखिलेश यादव के इस बयान का असर उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानिक। प्रयागराज में अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया की तुलना की जिससे साधु संतों का गुस्सा भड़क उठा है। अखिलेश के इस बयान को संत समाज ने न केवल अपमानजनक बल्कि अशोभनीय भी बताया है। श्री मन कामेश्वर मंदिर के महंत योगेश्वरी महाराज ने अखिलेश यादव के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है, मठाधीश तो हम भी हैं और राजसत्ता भी चलाते हैं। अगर अखिलेश यादव मठाधीश और माफिया के बीच का फर्क नहीं समझ पा रहे तो पहले उन्हें खुद पर और अपने परिवार के इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। उनके पिता के शासन में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई और उनके मंत्रियों ने भगवान श्री राम के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इस बयान पर सिर्फ महंत योगेशपुरी ही नहीं बल्कि पूरे संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। श्री पंचायती अखाड़ा के सचिव ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए कहा, अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जो व्यक्ति मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को संरक्षण देता है उसे मठाधीश और माफिया में फर्क कैसे समझ आएगा? साधु संतों का कहना है कि माफिया समाज में अशांति और गुंडागर्दी फैलाते हैं जबकि संत समाज में शांति और सद्भाव का प्रतीक होते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए हनुमानगढ़ी के वरुण महाराज जी ने कहा, अखिलेश यादव का ये बयान अशोभनीय है। संत समाज का माफियाओं से तुलना करना न केवल संतों का अपमान है बल्कि ये समाज की शांति व्यवस्था का भी मजाक उड़ाना है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव का ये बयान उनके राजनीतिक करियर पर भारी पड़ सकता है? क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा? विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का ये बयान आगामी चुनाव में सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता का बड़ा हिस्सा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और संत समाज का प्रभाव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर साधु संतों की नाराजगी बढ़ती है तो इसका असर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। अखिलेश यादव का मठाधीश और माफिया के बीच तुलना करना निश्चित रूप से एक विवादित बयान है जिसने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। अब देखना यह होगा कि इस बयान का क्या असर पड़ता है और क्या अखिलेश यादव इससे उभरने में सफल हो पाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि इस विवाद का असर चुनावों पर कितना होगा। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान ने संत समाज और उनके समर्थकों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ताजा अपडेट्स और खबरें सबसे पहले देख सकें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।